तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में हमारा होने वाला है, आज हम लोग बात करने वाले हैं हॉट टेस्टिंग के बारे में। जैसा कि दोस्तों मैं आपको इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कूल टेस्टिंग जो मल्टीमीटर के माध्यम से हम लोग मदरबोर्ड को कूल टेस्टिंग कैसे करते हैं, जिसमें से हमारी ओके ओपन लीकेज शॉर्टिंग जितनी भी सारी चीज़ें थी सब चीज़ के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। और अब हम जो बात करने वाले हैं वो हॉट टेस्टिंग के बारे में बात करने हैं। हॉट टेस्टिंग का मतलब होता है हम लोग मोबाइल फोन में सप्लाई देकर के कैसे चेक करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी डेड हैंडसेट आता है, कोई कस्टमर लेकर के आता है, वो मोबाइल फोन डेड होता है। कैसा होता है वो हैंडसेट डेड होता है, तो डेड मोबाइल फोन को चेक कैसे करेंगे, उसको हॉट टेस्टिंग कैसे करेंगे, उसको हॉट टेस्टिंग चेक करने का तरीका क्या होता है, इसके बारे में दोस्तों आज हमारा वीडियो होने वाला है कि हॉट टेस्टिंग कैसे करेंगे। मोटी भाषा में देखा जाए डीसी सप्लाई मशीन से हम लोग मोबाइल फोन से कैसे चेक करेंगे, या मोबाइल फोन में चार्जर एडाप्टर से हम लोग कैसे मोबाइल फोन को चेक करेंगे। चार्जर एडाप्टर का मतलब होता है जो 6 पोर्ट का एडाप्टर आता है, और डीसी मशीन जो होती है जो हम लोग जनरली 5 एम्पियर और 30 वोल्ट की मशीन आती है। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है हॉट टेस्टिंग हम कैसे करने वाले हैं, हॉट टेस्टिंग करने का तरीका क्या है, तो उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम आपको वीडियो दे रहे हैं। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फोन है लैपटॉप है ऐसे रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स कराए जाते हैं। यहाँ पर हम लोग बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें पूरा कंप्लीट हार्डवेयर है, पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, इससे लेकर जेड तक मोबाइल फोन से रिलेटेड जितने भी सारे सॉल्यूशंस हैं सारे सॉल्यूशन इसमें जुड़े होते हैं। और हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करके सभी मोबाइल फोन को रिपेयरिंग करने का तरीका सिखाते हैं। मतलब कोई भी मोबाइल फोन आएगा उस मोबाइल फोन को आप कैसे रिपेयर करेंगे, उसका रिपेयरिंग करने का तरीका क्या होता है, उसका रिपेयरिंग करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको टोटली स्टेप बाय स्टेप वन बाय करके आपको मैं वीडियो देने वाला हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से आप दोस्त काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और ऐसे मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं या मोबाइल फ़ोन जो डेड हो जाते हैं या बंद मोबाइल फ़ोन आते हैं जिसके दिमाग में यही नहीं आता रे बंद फ़ोन आ गया भाई इसको कैसे चेक करें, तो इन वीडियो के माध्यम से आप काफ़ी अच्छा काम कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं और हम लोग डेड सेट को रिपेयर करने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहली बात, हॉट टेस्टिंग का मतलब होता है आपको क्या करना है, जो डीसी मशीन को 4 वोल्ट और 3 एम्पियर पे सेट करना है। जो आपके डीसी पावर सप्लाई मशीन होती है और डीसी पावर सप्लाई मशीन को क्या करना है, 4 वोल्ट 3 एम्पियर पे सेट करना है। जब 4 वोल्ट 3 एम्पियर पे सेट करेंगे तब आपका मोबाइल फोन क्या होगा, आप उसको सप्लाई देंगे और मोबाइल फोन चालू होगा। जब मोबाइल फोन चालू होता है तो मोबाइल फोन चालू होने का मतलब होता है यहां पर हमारे डीसी मशीन की एम्पियर रीडिंग, डीसी मशीन की हम लोग मोबाइल फोन की एम्पियर रीडिंग क्या बात करते हैं, डीसी मशीन के मोबाइल फोन में एम्पियर रीडिंग। एम्पियर रीडिंग को हम लोग कैसे चेक करते हैं, एम्पियर रीडिंग को चेक करने का तरीका क्या होता है, इसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। और ये एम्पियर रीडिंग क्या होती है, अलग अलग तरीके की एम्पियर रीडिंग आती है, तो उन एम्पियर रीडिंग के क्या मायने होते हैं। अच्छा, ये सारी रीडिंग जो हम लोग बताते हैं कि दोस्तों हमने बहुत सारे मोबाइल फोन पर एक्सपेरिमेंट कर रखा है, बहुत सारे मोबाइल फोन को ठीक कर रखा है, ऐसी सी सिचुएशन पर ऐसी सी कंडीशन जनरेट होती है, उनसे मैंने मोबाइल फोन को बना करके मोबाइल फोन को चालू कर रखा है, तो वो सारी सिचुएशंस जो होती हैं वो हम आपके सामने बताते हैं। और आपके पास भी कोई भी मोबाइल फोन आएगा तो आप भी इसी तरीके से मोबाइल फोन को चेक कर सकते हैं और इसके माध्यम से मोबाइल फोन को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको क्या करना है, डीसी मशीन को 4 वोल्ट 3 एम्पियर पर सेट करना है। उसके बाद मोबाइल फोन में क्या करना है, जो केबल आती है बूट केबल आती है, एंड्रॉयड फोन को चेक करने के लिए बूट केबल आती है, और कीपैड मोबाइल फोन आते हैं तो कीपैड मोबाइल फोन को चेक करने के लिए प्लस माइनस के 2 तार आते हैं जिससे हम लोग मोबाइल फोन को चालू करते हैं। अब मैं आपको धीरे धीरे करके पूरा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं और तरीका बताता हूं। सबसे पहली बात क्या है कि कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन आता है उस एंड्रॉयड मोबाइल फोन में सप्लाई चलने का मैं आपको एक सीक्वेंस बताता हूं। ये सीक्वेंस बताता हूं कि हमारे मोबाइल फोन में जब हम सप्लाई देते हैं तो हमारा मोबाइल फोन कैसे करंट की खपत करता है, कैसे मोबाइल फोन में करंट खाता है, सबसे पहली बात वोल्टेज कहाँ जाता है, वोल्टेज कैसे काम करता है, किस तरीके से मोबाइल फोन में चालू होता है, ये सारी चीजों का एक मैं दोस्तों मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ। इस सीक्वेंस से समझने से आपको मोबाइल फोन में एम्पियर रीडिंग के मायने समझ में आएंगे।
कि अब एम्पियर रीडिंग में ऐसा हो गया तो क्या हो रहा है, ऐसा एम्पियर रीडिंग हो गया तो क्या हो रहा है, ऐसी एम्पियर रीडिंग आ रही है तो उसका मतलब क्या है, इन सब चीजों के बारे में एक एक करके आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरा देखें ताकि आपको यह टॉपिक डेड फोन को रिपेयर करने में इतना मदद करने वाला है जिसका आप अगर खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे तो खुद आप बोलेंगे। और वीडियो को अगर नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। अगर हम आपको ट्रेनिंग देने में इतना मदद कर रहे हैं तो आप भी कहीं हमारी मदद करिए, वीडियो को शेयर करिए और सीखिए। सीखने के साथ साथ दोस्तों ये कॉपी में नोट करो, अच्छे से समझो। अगर आप सब चीज़ों को नोट करोगे, नोट्स बनाओगे, समझोगे तो आपके दिमाग के अंदर, आपके बुद्धि के अंदर सब चीज़ें घुस जाएगा और आपसे मोबाइल फ़ोन ठीक होना चालू हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन ठीक होना कोई जादूगरी नहीं, सिर्फ एक तरीका सीखना है, सिर्फ एक स्टेप सीखना है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट सीखना है, लॉजिक सीखना है, उसके हिसाब से मोबाइल फोन की रिपेयरिंग होती है। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब सबसे पहली बात, कोई भी मोबाइल फोन आया, उस मोबाइल फोन में सीक्वेंस क्या होता है मैं आपको तरीका बताता हूं। जैसे आपके पास मोबाइल फोन में बैटरी कनेक्टर होता है, बैटरी कनेक्टर में दो पॉइंट होते हैं, एक माइनस होता है, एक प्लस सप्लाई होती है। ये प्लस सप्लाई करंट यहां पर चलता है, इसके लाइन में डायोड लगा होता है, फिर सप्लाई आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग आईसी पे जाती है। जितने मैं एंड्रॉइड फोन का मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, फिर मैं आपको कीपैड फोन का भी कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा। तो यहां पर हमारी सप्लाई यहां से होते हुए जाती है, इस सप्लाई को हम लोग वीबैट सप्लाई बोलते हैं। वीबैट सप्लाई से हमारे मोबाइल फोन के अंदर अगली सप्लाई बनती है जिसको हमने आपको बताया था दोस्तों, वीपीएच सप्लाई। ये 3.7 वोल्ट की सप्लाई होती है। जब वीपीएच सप्लाई बन जाती है तो वीपीएच सप्लाई से आपके मोबाइल फोन में सबसे पहले आईसी चालू होती है जिसका नाम होता है पावर आईसी। पावर आईसी पे जब वोल्टेज चला जाता है तो पावर आईसी को काम करने के लिए पावर आईसी के अंदर 3.7 वोल्टेज चला जाता है। ये जो हमारी पावर आईसी होती है, इस पावर आईसी के अंदर कई सारे अलग अलग मल्टीपल सेक्शन होते हैं। वो अलग अलग मल्टीपल सेक्शन क्या काम करते हैं, वो धीरे धीरे करके मोबाइल फोन को पूरे जितने भी सारे सेक्शन होते हैं सारे सेक्शन को चालू करते हैं। तो सबसे पहली बार ये सप्लाई जो होती है 3.7 वोल्टेज पावर आईसी के अंदर इन होती है, जिसको हम लोग वोल्टेज इन सेक्शन बोलते हैं। जब वोल्टेज इन सेक्शन पर 3.7 वोल्ट सप्लाई चला जाता है तो यही सप्लाई, इस सप्लाई के माध्यम से हमारी बक कॉइल से सप्लाई बनती है जिससे मोबाइल फोन में पावर आईसी के इंटरनली अदर सेक्शन जो होते हैं वो चालू होते हैं। जब ये दूसरा सेक्शन चालू होता है, ये पहले फर्स्ट हो गया, इसी फर्स्ट सेक्शन में ही आपका ऑन अप का पॉइंट जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, फर्स्ट सेक्शन से ही आपके मोबाइल फोन में ऑन अप का सप्लाई का पॉइंट जुड़ा होता है। जब ये वोल्टेज इन पहुंचता है तब ऑन ऑफ बटन दबाते हो, जैसे ऑन ऑफ बटन दबाते हो मोबाइल फोन में ट्रिगर का काम करता है, मोबाइल फोन में शॉर्टिंग होती है, मोबाइल फोन हमारा मोबाइल फोन फट से आईसी बूस्ट करती है, मोबाइल फोन चालू करती है, मतलब मोबाइल फोन में वोल्टेज को क्रिएट करती है। जब ये वोल्टेज क्रिएट करती है तब मोबाइल फोन में दूसरा सेक्शन चालू होता है। दूसरे सेक्शन से सबसे पहला वोल्टेज बनता है, वो वोल्टेज बनने के बाद वो चला जाता है सीपीयू के अंदर। जब ये वोल्टेज सीपीयू के अंदर चला जाता है तो सीपीयू क्या काम करता है, पावर आईसी को कमांड देता है, पावर आईसी को ये कमांड देता है कि पावर आईसी एमएमसी आईसी को चालू करती है। ये जितना भी सारा मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं, ये दोस्तों जितना प्रोसेस होता है बड़ा क्विकली होता है, मात्र नैनो सेकेंड के अंदर सारा प्रोसेस होता है और फट से आपका मोबाइल फोन चालू हो जाता है। तो ये जब वोल्टेज इन सप्लाई बनती है फिर सीपीयू बजाता है, सीपीयू उसको पल्स देता है जिससे आप ये मतलब सिग्नल देता है कि मोबाइल फोन में पावर आईसी दूसरे सेक्शन को चालू करती है। फिर एमएमसी के लिए वोल्टेज बनते हैं, एमएमसी आईसी चालू होती है। जब एमएमसी आईसी चालू होती है तो एमएमसी आईसी के अंदर और सीपीयू का आपस में डाटा का सिंक्रोनाइजेशन होता है। जैसे सिंक्रोनाइजेशन होता है, सिंक्रोनाइजेशन होने के बाद सीपीयू क्या काम करता है, फट से मोबाइल फोन में डिस्प्ले के लिए आउटपुट देता है। जैसे मोबाइल फोन में डिस्प्ले के लिए आउटपुट देता है और आपके मोबाइल फोन में डिस्प्ले के लिए फिर यहीं से पावर आईसी से वोल्टेज बनते हैं। ये वही वोल्टेज होते हैं जो ग्राफिक के लिए चले जाते हैं। तब आपके मोबाइल फोन में डिस्प्ले में फिगर आ जाता है, डिस्प्ले चालू हो जाता है।
अब अच्छा यहीं पर जब हम लोग यहाँ पर बूट केबल लगाते हैं तो बूट केबल पर ये सब जो काम करने के जो कॉन्सेप्ट होते हैं इसको हम लोग एक बूट सीक्वेंस बोलते हैं कि मतलब बूटिंग एक प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस कैसे डिपेंड करता है, जब हम इस पर सप्लाई देते हैं, जैसे हमने 3.74 वोल्ट सप्लाई जब हमने यहाँ पर इंसर्ट किया तो 4 वोल्ट सप्लाई सबसे पहली बात पावर आईसी तक पहुंचती है, वीपीएस के माध्यम से डायरेक्ट सप्लाई बन जाती है। जब ये डायरेक्ट सप्लाई बन जाती है तो उस समय पर हमारा मोबाइल फोन जैसे चालू होता है तो चालू होने के बाद एक डीसी मशीन के माध्यम से पावर आईसी एम्पियर खाता है। एम्पियर खाने का मतलब होता है पावर आईसी जब ऑन होती है तो कोई भी चीज जब चालू होती है तो चालू होने पर लोड लेती है। लोड लेने का मतलब होता है सप्लाई की खपत करती है। सप्लाई की खपत करने को ही हम लोग एम्पियर में काउंट करते हैं, जो एम्पियर हमारा शो करता है। डीसी मशीन पर जो हमारी डीसी मशीन जो रीडिंग बताता है, डीसी मशीन पर इस तरीके से रीडिंग आती है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो ऐसे 0 0 0 उसके बाद ये अगर 1 है तो 1 यहां पर आएगा, बाकी 0 0। अगर 0 के बाद यहां पर आ रहा है तो ये सारा मिली में काउंट होता है। किसमें काउंट होता है? मिली एम्पियर में काउंट होता है, मतलब एम्पियर से भी नीचे का हिस्सा। तो यहां पर जो हमारे रीडिंग आती है वो सबसे पहली बार जो रीडिंग की स्टार्ट होगी वो 0 0 होगा, तो सबसे पहली बार क्या होगी, यहां पर 1 होगा, फिर यहां पर 2 होगा, यहां पर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, तब 10 यहां पर आएगा। जब 10 11 12 13 14 15 16 17 100 तक जाएगा तब यहां पर आ जाएगा। जब 100 से भी ऊपर चला जाएगा तब यहां पर दोस्तों 1 बन करके आएगा, तब 1 एम्पियर में काउंट होगा। तो एकदम से तो भाई जैसे मैं कहता हूं आप तराजू नहीं होता, अब तराजू में आपने वजन लिया, उस वजन को आपने रखा तो उसमें से वजन पे 0.000 ऐसे काउंट होता है। तो जब आप रखते हो तो एकदम से नहीं होता, मतलब धीरे से 0.1234 दशमलव ऐसे बढ़ते 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 एकदम से ऊपर हाई लेवल तक चला जाता है। लेकिन इतना फास्टली प्रोसेस होता है कि हमको नहीं दिखता, लेकिन इसको अगर आप धीरे धीरे देखेंगे कई बार समझेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये आपकी एम्पियर रीडिंग आती है। अब यही एम्पियर रीडिंग क्या होता है, जब हम यहाँ पर बूट केबल लगाते हैं तो बूट केबल लगाने पर या बैटरी कनेक्टर पर प्लस माइनस की केबल लगाते हैं तो प्लस माइनस की केबल सबसे पहली बार पावर आईसी पे वोल्टेज इन जाते हैं। जैसे वोल्टेज इन पर जाते हैं तो पावर आईसी का जो वोल्टेज इन सेक्शन जैसे ही मोबाइल फोन में चालू होता है तो उस समय पर आपकी जो डीसी मशीन की रीडिंग होती है 0.05 0.8 ऐसी रीडिंग होती है। जैसे 0.8 रीडिंग आती है, इस रीडिंग के बाद हमारी सप्लाई बनती है और सप्लाई बनने के बाद सीपीयू ऑन होता है। सीपीयू ऑन होने के बाद फिर हमारा दूसरा सेक्शन चालू हो रहा होता है। तो 0.8 रीडिंग के बाद आपकी पावर आईसी क्या हो जाती है, सीपीयू के माध्यम से कमांड से चालू हो जाती है और फिर रीडिंग हमारी हो जाती है 0.10 0.11 20 30 40 50, ऐसे रीडिंग बढ़ते हुए चली जाती है। 0.40 50 तक जब एम्पियर की रीडिंग बढ़ती हुई जाती है, उसके बाद 0.60 70 पे फिर हमारी एम्पियर रीडिंग पे हमारे मोबाइल फोन में एमएमसी आईसी चालू होती है। जैसे एमएमसी आईसी चालू होती है, एमएमसी आईसी चालू होने के बाद फिर सीपीयू से कमांड आती है जिससे ग्राफिक लाना होता है, तो फिर आपके मोबाइल फोन में 80 90 100 150 जैसे रीडिंग बढ़ते हुए 150 200 250 तक चला जाता है तो आपके मोबाइल फोन में एमएमसी आईसी क्या हो जाती है, चालू हो जाती है। मैं आपको इस चीज को लिखता हूं 0.80, यहां पर 0.10, फिर इसके बाद 0.40 एमएमसी मतलब पावर खुद चालू होगा, एमएमसी चालू होगा तो 0.50 0.60 0.70 80 ऐसे जाकर के रीडिंग होती है। उसके बाद मोबाइल फोन के अंदर जैसे ही आगे की रीडिंग आती है 90 100 150 200 0.250 ऐसे ही जाती रीडिंग जाती है तो आपका मोबाइल फोन में पूरी तरीके से मोबाइल फोन पूरा बोर्ड चालू हो चुका होता है और हम आपके मोबाइल फोन में ग्राफिक आ जाता है और आप मोबाइल फोन जान जाते हैं कि आपका मोबाइल फोन चालू हो गया। जैसे मोबाइल फोन चालू होता है तो आपके हैंडसेट में पता चल जाता है कि आपका मोबाइल फोन चालू है और आपके मदरबोर्ड में कोई कमी नहीं। और जब आपका मोबाइल फोन चालू नहीं होता तो इसमें से कई अलग अलग रीडिंग एम्पियर पे हमारा मोबाइल फोन या डीसी सप्लाई मशीन स्टॉक मारती है, स्टॉप होती है। जैसे स्टॉप होती है तो उस स्टॉप के अलग अलग मायने होते हैं, अलग अलग सिचुएशन होते हैं, उस सिचुएशन के हम लोग समझते हैं। ये जो मैंने आपको बताया ये एम्पियर चलने का हमारा सर्कल बताया कि एम्पियर हमारे मोबाइल फोन के अंदर कैसे घूम जाता है और कैसे घूमने के बाद धीरे धीरे करके बढ़ के वो 200 250 तक चला जाता है और आपका हमारा मोबाइल फोन चालू हो जाता है। मोबाइल फोन चालू हो जाएगा, हैंडसेट ऑन हो गए। अब अच्छा इस एम्पियर रीडिंग के अलग अलग मायने होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, वो मैं आपको आगे सर्किट में आपको बताता हूँ क्या सारी चीजें होती हैं। तो ये दोस्तों आप इस सब चीज को बिल्कुल अच्छे तरीके से एक बार बनाइए, बनाने के बाद इसको समझिए।
अब मैं आपको इसके मायने बताता हूँ कि ये अलग अलग एम्पियर रीडिंग होती है, उसके क्या क्या मायने होते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डीसी मशीन रीडिंग। डीसी मशीन रीडिंग, डीसी मशीन की रीडिंग क्या होती है, और जितने भी सारे डीसी मशीन से जो अलग अलग रीडिंग्स आती हैं, उस रीडिंग के क्या मायने होते हैं, उन चीजों को समझ करके आप डीसी मशीन से मदरबोर्ड को, मोबाइल फोन को चेक करेंगे और मोबाइल फोन को रिपेयर करेंगे। जैसे सबसे पहली सिचुएशन होती है, सबसे पहले फर्स्ट सिचुएशन होती है कि जैसे आपने मोबाइल फोन में बैटरी कनेक्टर पर आपने कनेक्ट किया, बैटरी कनेक्टर पर करंट होने के बाद आपने मोबाइल फोन में ऑन ऑफ बटन दबाया। जब ऑन ऑफ बटन दबाएंगे तभी आपके मोबाइल फोन में सप्लाई चालू होगी, पूरा सर्किट घूमेगा। ऑन ऑफ बटन नहीं दबाएंगे तो आपके मोबाइल फोन में सप्लाई सर्किट चालू नहीं हो गई। तो आपने जब ऑन ऑफ बटन को दबाया तो ऑन ऑफ बटन दबाते ही आपका मोबाइल फोन 0.1, 0.20, 0.30, 0.50, 0.80 ऐसे धीरे धीरे करके रीडिंग 200.250 ऐसे ही 250 तक जाता है। जैसे 250 तक जाता है तो आपका हैंडसेट ऑन हो जाता है। क्या हो जाता है, आपका मोबाइल फोन ऑन हो जाता है, आपका हैंडसेट क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। जैसे आपका हैंडसेट ऑन हो जाता है, हैंडसेट ऑन होने से ही आपके मोबाइल फोन पूरा चालू हो गया, चकाचक फर्स्ट क्लास फोन चालू है। और अब उस मोबाइल फोन, हो सकता है कॉम्बो टूटा हुआ निकल जाए, उस मोबाइल फोन में कोई चीज पर्टिकुलर काम ना करे, चार्जिंग ना हो, ऐसा कोई भी सारी सिचुएशन प्रॉब्लम आ सकती है जिनके कारण से आपका फोन बंद दिखाई दे रहा हो, बैटरी डाउन हो, लेकिन आपका मोबाइल फोन फिलहाल चालू हो गया। अगर आपकी ऐसी कंडीशन होते हुए जाती है तो यदि आपके मोबाइल फोन में सेकेंड पोजिशन, यदि आपकी जो रीडिंग जो जाती है 0.8 या 0.10, इस तरीके से रीडिंग आपकी जा करके बस इसी पर जा करके बैठ जाती है, फिर इतनी रीडिंग जाएगी, फिर इतने पर जाकर बैठ जाती है। अगर ऐसी रीडिंग बैठ जाती है तो इसका मतलब होता है ये आपके मोबाइल फोन में सीपीयू से प्रॉब्लम आ रही है, जिससे आपका हैंडसेट ऑन नहीं हो रहा। यदि आपके मोबाइल फोन में थर्ड सिचुएशन, यदि रीडिंग आपकी 0.2, 0.8, 0.10, 0.40, 0.50 इस तरीके से अलग अलग रीडिंग आती है, 0.40, 0.50 तक जाता है और आपका मोबाइल फोन बंद हो जाता है। फिर ऑन करते हैं, ऑन करते इतना रीडिंग उठता है, आपका मोबाइल फोन बंद हो जाता है। तो उस कंडीशन के ऊपर आपके मोबाइल फोन में पावर सप्लाई या पावर आईसी से प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मोबाइल फोन में पावर सप्लाई से प्रॉब्लम हो सकती है या मोबाइल फोन के अंदर पावर आईसी से प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन में जब आप चेक करते हैं, चेक करने पर उसकी रीडिंग 0.5, 0.50, 0.70, 0.80 यहां पर जाकर के स्टक मारती है। जैसे 0.70, 0.50, 0.80 जब यहाँ पर रीडिंग पहुंचती है और रीडिंग जाने के बाद क्या मारती है, स्टक मारती है। जैसे ही रीडिंग स्टक मारती है तो स्टक मारते ही आपके मोबाइल फोन में जो प्रॉब्लम होती है ये एमएमसी की प्रॉब्लम है या तो मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है या तो मोबाइल फोन का बूट डेड हो गया है। क्या हो गया दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का बूट क्या हो गया है, डेड हो गया है। अगर ये 0.70, 0.80 तक रीडिंग जाकर के स्टक मारते, मतलब रुक गया, ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा, बस वही रुका हुआ है, तो आपके मोबाइल फोन में एमएमसी की प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम, बूट डेड है। ऐसे मोबाइल फोन में जब आप कंप्यूटर से लगाएंगे तो आपके मोबाइल फोन ऑटो पोर्ट बना सकते हैं, ऐसी सिचुएशन आएगी। या ऐसे मोबाइल फोन में फिर हम लोग एमएमसी आईसी को रिवॉल्व करके दोबारा डालते हैं या एमएमसी आईसी को यूएफआई के माध्यम से चेक करते हैं, उसको प्रोग्राम करते हैं। अगर एमएमसी आईसी शॉर्ट या खराब हो जाती है, डेड हो जाती है, तो यूएफआई में डिटेक्ट ही नहीं करती, तो एमएमसी आईसी खराब, उसे एमएमसी आईसी को हम लोग चेंज करते हैं। तो ये ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको ये करना होता है। यदि आप फिफ्थ नंबर पर चेक करते हैं, फिफ्थ नंबर पर आपके मोबाइल फोन में जब आप डीसी मशीन से चेक करते हैं, डीसी मशीन पर चेक करने पर 0.8, 10, 50, 0.60, 0.80, 0.90, 0.100, 0.120 जैसे ही आपके ये रीडिंग, आपकी इतनी रीडिंग दिखाते हुए जाता है, उसके बाद आपका मोबाइल फोन बंद हो जाता है या मोबाइल फोन वहां पर रुक जाता है या घटता बढ़ता रहता है। अगर ऐसी मोबाइल फोन के अंदर प्रॉब्लम है तो आप मोबाइल फोन में सीपीयू आईसी को क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। यदि आपके पास कोई मोबाइल फोन आता है
कोई भी मोबाइल फोन आता है जब उसमें से आपकी इस तरीके से रीडिंग आती है। यदि आपके पास कोई मोबाइल फोन आता है वो फोन ऑटो रीडिंग लेता है, ऑटो रीडिंग का मतलब अपने मन से रीडिंग ले रहा है, आपने ऑन ऑफ बटन को दबाया ही नहीं और डीसी मशीन अपने मन से रीडिंग 10, 20, 30, 40, 50, 35 ऐसे अपने मन से रीडिंग लेने लगता है। जब अपने मन से रीडिंग लेने लगता है इसका मतलब होता है या तो आपके मोबाइल फोन में वीबैट लाइन में लीकेज है, या तो वीपीएच लाइन में कोई मोबाइल फोन के अंदर शॉर्टिंग हो गई है, या मोबाइल फोन में आईसी के अंदर जो वोल्टेज इन सेक्शन होता है, जो पावर आईसी के अंदर वोल्टेज इन सेक्शन होता है, उस सेक्शन के अंदर मोबाइल फोन के अंदर शॉर्टिंग हो गई है जिस कारण से सप्लाई अपने मन से ले रहा है। तो इस कंडीशन पर आपके मोबाइल फोन में सप्लाई सेक्शन को हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। यदि ऑटो रीडिंग ले रहा है, अपने मन से रीडिंग ले रहा है, यदि आपके पास कोई मोबाइल फोन आता है उसमें जो रीडिंग होती है उसमें एम्पियर जो हो जाते हैं वो फुल हो जाते हैं और वोल्टेज क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। एम्पियर क्या हो जाएंगे, फुल हो जाएंगे, वोल्टेज क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। जैसे एम्पियर फुल हो जाएंगे, वोल्टेज जीरो हो जाएंगे, तो आपके मोबाइल फोन के अंदर इसका मतलब है आपके मदरबोर्ड के अंदर शॉर्टिंग है। मदरबोर्ड के अंदर क्या है, शॉर्टिंग है। यदि कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन, आपका मोबाइल फोन चालू नहीं हो रहा है, उस मदरबोर्ड के अंदर क्या है, शॉर्टिंग है। जब मदरबोर्ड के अंदर शॉर्टिंग होगी तो आपका मोबाइल फोन क्या है, चालू नहीं होगा, मोबाइल फोन डेड हो जाएगा। तो मदरबोर्ड के अंदर शॉर्टिंग है और आपका हैंडसेट क्या है, शॉर्टिंग की पोजीशन में आपका सेट डेड है, लेकिन मदरबोर्ड के अंदर शॉर्टिंग है। प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग है या सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग है, लेकिन आपका मोबाइल फोन फुल शॉर्टिंग में, उस चीज को हम लोग काउंट करेंगे मदरबोर्ड के अंदर शॉर्टिंग। क्यों, क्योंकि डीसी मशीन एम्पियर को फुल कर देगा, वोल्टेज जीरो कर देगा, मतलब मदरबोर्ड के अंदर शॉर्टिंग। ठीक, अब यदि दोस्तों अगर ऐसी सिचुएशन आती है आपके पास कोई मोबाइल फोन आता है नो वैल्यू का मतलब कोई वैल्यू नहीं बताता, ऑन ऑफ बटन दबाते हो, बैटरी कनेक्ट लगाते हो, कोई रीडिंग नहीं बताता, अगर कुछ नहीं बताता इसका मतलब होता है आपके मोबाइल फोन में सप्लाई लाइन ब्रेक है। अब सप्लाई लाइन किसका ब्रेक हो सकता है, सप्लाई लाइन या तो तुम्हारे ऑन ऑफ स्विच का ब्रेक हो सकता है कि ऑन ऑफ स्विच खराब हो गया जिस कारण से आप दबा रहे हो, मोबाइल फोन डीसी मशीन नहीं एम्पियर को नहीं काउंट कर पा रहा है, या आपके मोबाइल फोन में वीबैट की सप्लाई ब्रेक है, या वीपीएच नहीं बन रहा है एंड्रॉयड फोन में। तो इस तरीके की जब ऐसी सिचुएशन आ जाएंगी तो आपका मोबाइल फोन जब लगाएंगे नो रीडिंग में आएगा, नो मोमेंट नो रीडिंग में आएगा, तो ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है। तो इस तरीके से आपके पास जो भी मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन में जब आप डीसी मशीन से चेक करते हैं तो डीसी मशीन से चेक करने पर ये दोस्तों अलग अलग तरीके की सिचुएशन हमारे मोबाइल फोन में मदरबोर्ड में जनरेट होते हैं। जब मदरबोर्ड में अलग अलग तरीके की सिचुएशन जनरेट होती हैं तो इन सिचुएशन के हिसाब से हम लोग मोबाइल फोन में अपनी प्रॉब्लम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, प्रॉब्लम को रिपेयर करते हैं। अब इसी चीज को दोस्तों चलो मैं चलता हूँ मशीन में, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, समझाता हूँ कि कैसे कैसे आप चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे और इस डीसी मशीन के क्या क्या मायने, क्या एम्पियर रीडिंग होती है। जो मैंने तरीका आपको यहाँ पर बताया उस तरीके का एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कैसे इसे चेक करेंगे, तो मैं आपको बोर्ड में एक बार चेक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले जैसे मेरे पास डीसी मशीन है, ये हमारे पास कोराड की डीसी पावर सप्लाई मशीन है। इस पावर सप्लाई मशीन में हम लोग सबसे पहले बात बूट केबल का इस्तेमाल करते हैं। ये ऑन ऑफ का ऑप्शन दिया हुआ है, ऑन किया। ये मशीन आपके 30 वोल्ट सप्लाई की मशीन है। कितने वोल्ट की मशीन है, 30 वोल्ट। जैसे आप मोबाइल फोन में देखेंगे मैंने वोल्टेज को किया, ये 30 वोल्ट की मशीन है। ये आपका एम्पियर का दिया हुआ है 5 एम्पियर, 30 वोल्ट 5 एम्पियर की मशीन है। आप यहाँ से एम्पियर को ऐसे कम ज़्यादा कर सकते हैं कि जैसे हमको मोबाइल फोन में चेक करने के लिए 3 एम्पियर की जरूरत पड़ती है, मोबाइल फोन में वोल्टेज देने के लिए हम लोग 4 वोल्ट में चेक करते हैं, 4 वोल्ट। जैसे 4 वोल्ट देंगे हमारा डीसी मशीन 3 एम्पियर 4 वोल्ट ऑटोमेटिक मशीन से आउटपुट करंट निकल करके आ जाएगा। अब जब आप क्या करेंगे, डीसी मशीन को इसमें से लगा देंगे, प्लस माइनस की केबल होती है, प्लस माइनस का कनेक्शन होता है, जब आप इसमें लगा देंगे फिर केबल को जैसे प्लस माइनस को टच करेंगे, देखिए आपका एम्पियर ये देखिए केबल हमारी लूज हो रही है थोड़ा सा, इंडिया में जुगाड़ बहुत है इसलिए जुगाड़ टेक्नोलॉजी सब कुछ टिका हुआ है। तो हमने क्या किया, हमने केबल को लगा दिया। अब जैसे केबल को लगाएंगे तो सबसे पहली बात क्या करना है, आपको ये मोबाइल फोन लेना है।
इस मोबाइल फोन के अंदर दो तार होते हैं, प्लस और माइनस। अगर आप डीसी मशीन को प्लस पे लगाएंगे, माइनस को माइनस पे लगाएंगे, तो देखिए आपका ये मोबाइल फ़ोन डीसी मशीन रीडिंग लेगा। देखिए मशीन ऑटोमेटिक एम्पियर लेने लगा, देखो बता रहा ना। इसका मतलब होता है आपके मदरबोर्ड के अंदर शॉर्टिंग हो सकती है, लेकिन इसमें शॉर्टिंग इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे इसमें वोल्टेज पूरी तरीके से जीरो नहीं हो पा रहे हैं और एम्पियर लेकिन फुल हो रहा है। तो इसका मतलब होता है कि हम लोग इस प्लस माइनस का जो तार है हमने उल्टा लगा दिया। अगर उल्टा लगा देंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में कोई ख़राबी नहीं होगी, लेकिन अगर आप बैटरी उल्टा लगा देते तो आपका मोबाइल फ़ोन फट से शॉर्ट हो जाता। लेकिन डीसी मशीन की यही खासियत होती है, अगर आपका मोबाइल फ़ोन एम्पियर करंट लेगा तो ही देगा, नहीं तो नहीं देगा। लोड के अकॉर्डिंग ये मशीन काम करती है। चलिए हमने प्लस को प्लस पर लगा दिया, माइनस को माइनस पर लगा दिया। अब देखिए ये आपका जो जब हमने प्लस माइनस को लगा दिया तो आपका मशीन कोई एम्पियर करंट नहीं ले रहा है। जब कोई एम्पियर करंट नहीं ले रहा है तो इसका मतलब होता है कि आपका मोबाइल फ़ोन का जो वी बैट का जो पॉजिटिव सप्लाई सर्किट है आईसी तक वो सही है। अब उसके बाद आपको ऑन ऑफ बटन दबाना है। जैसे ऑन ऑफ बटन दबाएंगे, ट्रिगर दबाएंगे, लोड पड़ेगा, देखना डीसी की रीडिंग चालू हो जाएगी। देखिए चालू हो गई। देखिए जैसे 100 के ऊपर निकल गया आपका मोबाइल फ़ोन चालू हो गया और ये जितना स्टेबिलिटी होगी 180, जैसे करंट खाएगा उतना बताएगा, नहीं तो कम हो जाएगा। तो ये आपका हैंडसेट क्या हो गया, चालू हो गया। तो अब आपके पास, मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन बनने के लिए आया, किसी कारणवश से हमारा ये हैंडसेट डेड हो गया था, तो डेड होने पर बैटरी डाउन हो गई। अब तुम कस्टमर का 1.5 घंटे बैटरी चार्ज करोगे, इससे फट से चेक कर लो आपका मोबाइल फ़ोन चालू कि नहीं चालू, आगे का काम देखते हैं, आगे का खर्चा बताते हैं। तो ये हमारा मोबाइल फ़ोन चालू हो तो ऐसी रीडिंग आ रही। अगर मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आ जाता है, जैसे मेरे पास ये एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, अब इस एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन को हम लोग चेक करेंगे, तो इस एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन को चेक करने पर इसके अंदर ये जो बैटरी दिया हुआ है, बैटरी की तरह ही हमको इसका कनेक्टर फाइंड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कनेक्टर फाइंड करना पड़ता है। तो इस कनेक्टर को हमको इसमें लगाना होता है, फिर हमको मोबाइल फ़ोन को चालू करना है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहली बात जो बैटरी जैसा दिया हुआ है उस बैटरी के जैसा हमको बूट केबल में इस कनेक्टर को क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए हमने इसको लगा दिया, अब इसके जैसा जब आप देखेंगे तो देखिए ये हमको कनेक्टर मिल चुका है, ये सेम इसके जैसा है। जब इसके जैसा कनेक्टर है तो इस कनेक्टर को हम लोग इस मशीन में लगाएंगे। अब हमने क्या किया, ये जो बूट केबल की प्लस माइनस को जो तार हैं हमने इस पर लगा दिया। लगाने के बाद फिर वही बात मैंने पहले बताई थी, अगर ये उल्टा लगा देंगे तो शॉर्टिंग में काउंट हो जाएगा। ये हमने केबल को लगा दिया। केबल को लगाने के बाद अब आपको इसको पकड़ के रखना है ताकि ढीला नहीं होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच का जो पॉइंट होता है, ऑन ऑफ स्विच को ट्रिगर को दबाएंगे। जैसे ट्रिगर को दबाएंगे तो देखिए आपका मशीन चलेगा, ये चला, 200-250 रीडिंग गया, ये देखिए मोबाइल फ़ोन आपका ऑन हो गया। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन चालू हो गया तो रीडिंग कितना चला गया, 1 एम्पियर तक करंट जा खा रहा है। इसका मतलब आपका हैंडसेट क्या है, ऑन हो गया है। ऑन हो गया, देखिए ओप्पो लिख कर आ रहा है। अब मोबाइल फ़ोन जैसे ही बंद हो जाएगा रीडिंग कम हो जाएगा, फिर आप मोबाइल फ़ोन ऑन ऑफ दबाएंगे फ़ोन चालू होगा, रीडिंग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आता है उसको चेक करते हैं। अगर मान लिया गलती से तुमने इसको उल्टा लगा दिया तो उल्टा लगाते ही देखना, देखो शॉर्टिंग बता रहा है, तो ऐसे शॉर्टिंग बताने लगेगा। अब मेरे पास ये दूसरा मोबाइल फ़ोन है, हम लोग इस मोबाइल फ़ोन को चेक करेंगे। जैसे मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन है, ये एयरटेल का मोबाइल फ़ोन है, ये हैंडसेट हमारा मोबाइल फ़ोन बंद है कि चालू है हमको नहीं पता, और यह ठीक होने के लिए आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए सबसे पहला काम, हमारा प्राइमरी काम क्या करना है, हमको इसको सही तरीके से कनेक्ट करना है, चेक करना है। अब आपने क्या कर दिया, इसको ऐसे लगा दिया। लगा देने के बाद फिर बूट केबल लेना है, इसमें प्लस माइनस के तार लग जाएंगे। अगर आप गलती से उल्टा लगाते हैं तो उल्टा लगाने पर आपके मशीन शॉर्टिंग बताने लगेगा, देखिए शॉर्टिंग बता रहा है। लेकिन आप सीधा लगाएंगे, पलट के लगाएंगे तो आपका मशीन एम्पियर रीडिंग नहीं लेगा। लोग हम लोग डिस्प्ले काम्बो का पत्ता लगा देते हैं। अब हमने इसको लगा दिया, ये देखिए हमारा मशीन कोई रीडिंग नहीं ले रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस मोबाइल फ़ोन को ऑन करेंगे। जैसे हम लोगों ने ऑन ऑफ स्विच का बटन दबाया, अगर ट्रिगर का काम किया, तो देखिए हमारा मोबाइल फ़ोन चालू ऑटोमेटिक 40-50 पे रीडिंग जाकर रुक गई, फिर यहाँ पर बंद हो गई। फिर हमने मोबाइल फ़ोन को चालू किया, 40-50 पे रीडिंग गई, बंद हो गई।
तो इसका मतलब होता है ऐसी सिचुएशन पर हमारे मोबाइल फोन में पावर सप्लाई से प्रॉब्लम है कि हमारे पावर सप्लाई प्रॉपर तरीके से मोबाइल फोन को चालू नहीं कर रही है। जैसे ऑन ऑफ को दबा कर रखेंगे तो ऐसे रीडिंग रहेगी, जैसे छोड़ेंगे तो रीडिंग चली जाएगी। इसका मतलब होता है हमारे मोबाइल फोन में पावर ऑन नहीं हो रहा है और ये हमारा हैंडसेट पावर सप्लाई की वजह से हमारा मोबाइल फोन बंद है। तो हमको इसमें क्या चेक करना है, पावर सप्लाई हमारी रीडिंग कितनी जा रही है, 30-40 तक रीडिंग जा रही है और रुक रही है, ये हमने इसको चेक कर लिया। मेरे पास ये दूसरा मोबाइल फ़ोन है, मैं इस मोबाइल फ़ोन को चेक करता हूँ, ये भी मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है। मैं आपको अलग अलग तरीके के सिचुएशन में हम आपको चेक करके दिखा रहे हैं। अभी इस मोबाइल फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग है कि नहीं शॉर्टिंग है, बोर्ड में क्या कमी है, हम लोग क्या करेंगे पहले इसका पता चेक करेंगे। सबसे पहली बात, बैटरी जैसा कनेक्टर आपको ढूंढना है, जब आप बैटरी जैसा कनेक्टर ढूंढ लेंगे तभी आप चेक कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, ये बैटरी जैसा कनेक्टर आपको मिल गया। जब बैटरी कनेक्टर मिल गया तो इस पत्ते को आपको क्या करना है, इसमें से लगाना है। अगर गलती से आप उल्टा लगा देते हैं तो ये शॉर्टिंग में काउंट हो जाएगा। हमने लगा दिया तो उल्टा शॉर्टिंग नहीं बताया, इसका मतलब हमारा बोर्ड सही बता रहा है। अब हमने इस बोर्ड को क्या किया, ऑन किया। ऑन करने के बाद हमको ऑन ऑफ बटन दबाना है। जैसे ऑन ऑफ बटन दबाएंगे रीडिंग लेगा। देखिए कितनी रीडिंग ले रहा है, 1, 2, 4, 1, 2, 3, ए पॉइंट में 1, 2, 3, छोड़ दिया, चला गया। अब ऐसी सिचुएशन का मतलब होता है हमारे मदरबोर्ड में सीपीयू से प्रॉब्लम है। किससे प्रॉब्लम है, सीपीयू से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही पावर मोबाइल फ़ोन में जब चालू होता है तो 0.1, 2, 3, 4, 5, 8 ऐसी रीडिंग जाती है, मतलब रीडिंग उठ ही नहीं रही है, 4 तक पॉइंट पर गया, बंद हो गया। फिर हमने इसको लगाया, 0.1, 2, 4 तक गया, फिर बंद हो गया, मतलब इसका मोबाइल फ़ोन में सीपीयू इसको चालू ही नहीं होने दे रहा है। अब मोबाइल फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग नहीं है, अगर शॉर्टिंग होता तो यहाँ पर शॉर्टिंग अपने मन से काउंट करता, अपने मन से रीडिंग लेता। अगर देखिए मैं इसी चीज़ को अगर मैं उल्टा लगा देता हूँ सिचुएशन को, तो देखिए आपका शॉर्टिंग बताने लगेगा। देखिए देखिए बता रहा शॉर्टिंग, हमने हटा दिया। तो इस तरीके से हमने चेक किया, तो इस मदरबोर्ड के अंदर हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर सीपीयू की प्रॉब्लम है, सीपीयू रिवॉल्व होने के लिए। पर मार्केट में इस तरीके से बहुत सारे मोबाइल फ़ोन होते हैं। अच्छा देखिए, इसमें डिस्प्ले का पत्ता भी नहीं लगा था, एक बार मैं डिस्प्ले के पत्ते को लगा के देख लेता हूँ। LCD का बेल्ट कनेक्शन नहीं है, हाँ लगा हुआ, ठीक है। तो ऐसे आपके पास जो भी मोबाइल फ़ोन आता है उस मोबाइल फ़ोन को स्टेप बाय स्टेप आप लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं और मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है उस मोबाइल फ़ोन को आप डीसी सप्लाई मशीन से जितने भी मोबाइल फ़ोन आएंगे सारे मोबाइल फ़ोन में डीसी सप्लाई मशीन से एम्पियर रीडिंग के माध्यम से आप मोबाइल फ़ोन को कैसे चेक करेंगे। एक एक करके जो भी मोबाइल फ़ोन आएंगे उस मोबाइल फ़ोन को चेक करने का तरीका क्या होता है, उस मोबाइल फ़ोन को डेड फ़ोन को रिपेयर करने के एम्पियर रीडिंग्स क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आज आपको वीडियो दिया हुआ है। आपके पास जो हैंडसेट आ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग आ रहे हैं, तो उस मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग को चेक करने के लिए 4 वोल्ट और 3 एम्पियर पर DC मशीन को सेट करें और इसके माध्यम से मोबाइल फ़ोन को चेक करें। अब मैं आपको अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल फ़ोन के अंदर सप्लाई वोल्टेज कैसे चेक करे जाते हैं। दूसरी बात क्या होता है कि कोई भी डेड हैंडसेट आता है तो उसको चार्जिंग में लगा कर कैसे चेक किया जाता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, मैं आशा करता हूं कि आपको जो भी वीडियो में मैंने आपको समझाया है वो आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी या कोई ऐसी चीज़ होती है जो मैंने आपको समझाया है या किसी तरीके से एक एक करके मैंने आपको जो प्रैक्टिकल कराया है या जो भी चीज़ मैंने आपको समझाई, अगर आपको किसी कारणवश नहीं समझ में आती तो हमारा नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप मैसेज करें या नीचे दिए गए स्क्रीन नंबर पर 6391711711 6391211211 इसमें किसी नंबर पर कॉल करके मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई सुझाव चाहिए, कोई आप प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने दोस्तों ये वीडियो आपको मिला हुआ डेड सेट के बारे में, तो इस टॉपिक से संबंधित मैंने 10, 12, 15, 20 वीडियो और भी मैंने पिछले बना रखा है। तो आप हमारे चैनल पर वीडियो पर जाएँ, वीडियो में जाने के बाद आप इसकी बैक की जितनी पिछली वीडियो हैं उन सारी पिछली वीडियो को देखें, ताकि उस वीडियो के माध्यम से आप ये सीख सकें कि मोबाइल फ़ोन आप डेड फ़ोन को कैसे बनाएंगे, डेड मोबाइल फ़ोन को कैसे मास्टर बनेंगे, डेड मोबाइल फ़ोन को बनाने का तरीका कैसे सीखेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में वीडियो से आप वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये जितनी भी सारी सीरीज है, ये जितने भी मैं आपको लेकर के आया हूँ वो डेड फ़ोन के ऊपर लेकर, अभी तो 8 ही 10 टॉपिक हुए, डेड फोन के ऊपर कम से कम 50 टॉपिक 50 टॉपिक हैं
जो डेड मोबाइल फोन को कैसे रिपेयर करेंगे, उसका तरीका, उसका रिपेयर करने का कॉन्सेप्ट, रिपेयर करने का लॉजिक, ये सब चीज़ मैं आपको इस टॉपिक पे मैं आपको क्लियर करूँगा और अच्छे से मैं आपको समझाऊँगा। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो आप हमें कॉल करिए। और अगर आप इस लाइन में बिल्कुल नए हैं, फ्रेशर हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से सीख रहे हैं, तो इस वीडियो को ही आप दोस्तों डेमो वीडियो समझें और इस वीडियो के माध्यम से एक दिन, दो दिन, चार दिन, पाँच दिन मेरी क्लास को देखें, मेरे लेक्चर को देखें, पढ़ाने के तरीके को देखें, सिखाने के तरीके को देखें, कॉपी में अच्छे से नोट करें। अगर आपको लगता है दो चार पाँच मोबाइल फ़ोनों पर प्रैक्टिकल करें, अगर उसके बाद एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर हमारी सारी बातें आपको समझ में आती हैं, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होती हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आकर के आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में और डिटेल से जानकारी ले सकते हैं और कंप्लीट मोबाइल फ़ोन बनाने का तरीका सीख सकते हैं। अगर आप अपनी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की शॉप चला रहे हैं, किसी दुकान में काम कर रहे हैं, कहीं काम सीख रहे हैं, उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, तो ये दोस्त आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, आप कभी भी अच्छी तरीके से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने एक बेहतर कॉन्सेप्ट नहीं समझा, बेहतर तरीका नहीं समझा, बेहतर लॉजिक नहीं समझा। आज मैं आपको बताता हूँ, एक हमारे पास एक स्टूडेंट है जिन्होंने फ़ोन किया था, जो फिलहाल मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं। अगर वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे तो उनको सभी चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि सर, मैं मिर्ज़ापुर में ही एक मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की शॉप है, वहाँ पर काफ़ी दिन गया, उसके बाद एक लोग हैं भैया जो मुझे सिखाते थे, उन्होंने मुझे 12,000 रुपये मेरे से ट्यूशन फीस ले लिया सीखने का, लेकिन मैं 15-18 दिन हो गए मेरे को सीखते सीखते, बस वही जंपर लगाता था, मोबाइल फ़ोन जो रिपेयर करते थे उनको देखता रहता था, जो फ़ोन बनने आते तो उनको खोल देता था, बंद कर देता था। ऐसा तो मैं एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया, हफ्ते भर हो गया, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे बहुत सिखा रहे हैं, लेकिन बाद में जब 8-10 दिन 12 दिन हो गया तो उसके बाद बस कोई भी मोबाइल फ़ोन आता तो हमको दे देते हैं, बस यही है, लो फ़ोन बनाओ, बस इतना ही है, लो मोबाइल फ़ोन बनाओ। तो ऐसे सर मेरे से मोबाइल फ़ोन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मोबाइल फ़ोन को कैसे ठीक करूं। तो यूट्यूब में मैंने एक फॉल्ट के बारे में सर्च किया कि मोबाइल फ़ोन में हेडफोन का सिंबल आ रहा है तो उसको कैसे ठीक करें, तो उनको मेरा वीडियो मिल गया। उस वीडियो के माध्यम से उन्होंने हैंड फ्री का पूरा तरीका सीखा, पूरा लॉजिक सीखा, कॉन्सेप्ट सीखा और कॉन्सेप्ट के माध्यम से उस मोबाइल फ़ोन में हेडफोन की समस्या को ठीक कर दिया। जब हेडफोन की समस्या को ठीक कर दिया तब उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर थैंक यू, मैं आपकी वीडियो को देख करके मैंने काफ़ी कुछ सीखा और ये मेरे पास जो मोबाइल फ़ोन बनने के लिए आया था उस मोबाइल फ़ोन को मैंने बनाया, लेकिन जब मैंने भैया से पूछा तो उन्होंने बोला हैंड फ्री जैक बदल दो, ये कर दो, वो कर दो, उन्होंने दो चार चीज़ें मुझे बताएं, लेकिन फिर भी मुझे अच्छे संतोषजनक आंसर नहीं मिला। लेकिन वीडियो के माध्यम से मैंने सीख करके उस मोबाइल फ़ोन में आने वाली प्रॉब्लम को हमने ठीक किया। तो दोस्तों, आप भी इस तरीके से काफ़ी सारी वीडियो को देख करके वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हम इस वीडियो के माध्यम से या उससे और एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर जो पड़ता है कानपुर सागर मार्केट में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? कानपुर सागर मार्केट में पड़ता है। यहाँ पर हम लोग जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं उस मोबाइल फ़ोन को बनाने का तरीका सिखाते हैं, ए से लेकर जेड तक जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं उस मोबाइल फ़ोन को रिपेयरिंग करने का पूरा कॉन्सेप्ट समझाते हैं। और जो ट्रेनिंग सेंटर है कानपुर सागर मार्केट में, कानपुर रेलवे स्टेशन से मात्र 500-600 मीटर है। यहाँ पर जो भी बच्चे होते हैं कानपुर स्टेशन आ जाते हैं, कानपुर स्टेशन से सागर मार्केट आ जाते हैं। सागर मार्केट मोबाइल फ़ोन की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पर दुनिया जान के अगर आप देखेंगे ना, ये ढेरों मोबाइल फ़ोन ऐसे ठीक होने के लिए आते हैं। तो हम मोबाइल फ़ोन को बच्चों से बनवाते हैं, बच्चों के सामने रिपेयर करके दिखाते हैं। कभी मोबाइल फ़ोन में CPU रिबॉल होकर के फ़ोन चालू होता है, कभी मोबाइल फ़ोन में डबल डेकर मोबाइल फ़ोन CPU रिबॉल होकर चालू होता है, कभी मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे मोबाइल फ़ोन में ऐसे डब्बा भर भर के आते हैं मोबाइल फ़ोन के लिए, 5-5 फ़ोन, इसमें FRP खोल दो, इसमें पासवर्ड खोल दो, इसमें पैटर्न खोल दो। तो हमारे बच्चे लोग उस मोबाइल फ़ोन को ठीक करते हैं। जब बच्चे सीख जाते हैं तो उनसे हम काम कराते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि हम पैसा भी नहीं लेते मोबाइल फ़ोन बनाने का, ना हमारा कोई बच्चा लेता है, लेकिन इस माध्यम से जब बच्चा दोबारा मोबाइल फ़ोन बनाता है तो उसका हैंड स्किल परफेक्ट हो जाता है, काम करने का तरीका क्लियर हो जाता है, रिपेयरिंग करने का पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नई वीडियो पर, फिर नई चीज़ के बारे में सीखेंगे और एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।